अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हे hey दोस्तों, अगर मैं बात करूं जियो के बारे में तो बहुत सारे ऑफर्स लेकर के आते रहते हैं, वो डेली बेसिस पे, अगर मैं बात करूं वीकली बेसिस पे या फिर एयरली बेसिस पे। लेकिन यहां पे जियो ने एक और बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि यहां पे जियो लॉन्च करने वाला है जियो फोन 2। जी हाँ दोस्तों, जाने इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन क्या है और सारी की सारी चीज़ें जो फीचर्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अमेजिंग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फ़ोन के बारे में तो जियो रिलायंस जियो ने रैंडम बैठक के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि अगस्त के महीने तक जियो फ़ोन लॉन्च कर दिया जाएगा, जियो 2 लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि iOS के ऊपर काम करेगा। और वहाँ पे जो वर्ड, जैसे कि बताया गया था, जियो फ़ोन के अंदर जो पहले लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं था, लेकिन जो जियो फोन 2 होगा उसके अंदर व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकेंगे और फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब जैसी लोकप्रिय ऐप का मजा भी लिया जा सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे जियो के बारे में तो ये कब तक हो जाएगा और इसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो अगस्त के महीने से ये काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो कीमत होगी तकरीबन 3000 रुपये के आसपास होगी, यानी कि 2999 रुपये तकरीबन इसकी कीमत होगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको मिल जाती है 2.4 इंचेस की डिस्प्ले आपको मिल जाती है, फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 0.3 मेगापिक्सल का। साथ में अगर मैं रेजुलेशन की अगर मैं बात करूँ 2400x320 पिक्सल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रैम की अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, जैसे आपने इमेज देखी होगी फ़ोन की, तो वहाँ पे रैम की ज़्यादा वहाँ पे जो लोड ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे रैम जो दी गई है 512 MB की रैम दी गई है। OS जो है इसका वो iOS के ऊपर चलता है फ़ोन। स्टोरेज 4 GB की स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाती है। रियर कैमरा 2 MP और 4000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से आप इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।